की तेरी गुंडा गर्दी। मोदी डरा हुआ है, डरा हुआ है, मोदी डरा हुआ है। ये रावणों की सरकार है, मोदी सरकार रावणों की सरकार है। मोदी जी सबसे निकम्मा नकार आदमी है। मोदी जी चोर है, मोदी जी भ्रष्ट है, मोदी जी चोर है। सरकार ये पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं, ईडी के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं। देख लिए किस तरह से तानाशाही हो रही है, पुलिस वाले जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा गला दबाते, मेरे यहाँ घूसे मारे, मेरे को मारने की कोशिश करी। ये लोकतंत्र है क्या? हम किस देश में रह रहे हैं? हम कौन है? हम अंग्रेज है क्या? मोदी अच्छा नहीं कर रहे चुनाव, चुनाव के टाइम अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं ईडी के दम पर। ये ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, बीजेपी ने गिरफ्तार किया केजरीवाल। तो वो महिला भी है जो बीच में, ये आप देखो, ये देख सकते हैं कि किस तरह। मगर राम राज्य थोड़ी ना है ये, राम राज्य उसे बोलते जो एक दूसरे से इंसान खुश रहे। राम राज्य में होता क्या है? राम राज्य में सब एक दूसरे से शांति पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से भाई बंदी बन जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस समय देख सकते हैं कि आप जिस तरह से केजरीवाल के समर्थन में, जिस तरह से केजरीवाल 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 मोदी 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 भ्रष्टाचारी है, मोदी चोर है, भ्रष्टाचारी है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में सबसे बड़ी चोरी की उसने। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आप इस तरह से बात कर रहे हैं? हमारा चीफ मिनिस्टर भी है, स्टेट का मुख्यमंत्री है। पट्टियां खोलने के लिए देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, केजरीवाल, देश बचाओ, जिससे डरे हुए हैं ये, और कुछ नहीं कर सकते। ईडी और सीबीआई को आगे कर सकते हैं। केजरीवाल जिंदाबाद, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। आज मोदी इलेक्शन सर पे है, उसी को इलेक्शन सर पे है, उसी को ये ताकि ये इलेक्शन हार रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप कह रहे कि इलेक्शन हार रहे हैं, तभी तो केजरीवाल जी को अंदर कर रहे हैं। उनको इन्हीं से डर रहे हैं, वो जीत ही नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी को छोड़ो ना, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, 62,000 बच्चे जीरो फीडिंग से नीचे हैं, कहाँ विकास हो रहा है, बेरोजगारी का है। आज 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं मोदी जी, क्यों दे रहे हैं? उन्हीं 85 करोड़ लोगों को 900 रुपए में आप सिलेंडर दे रहे हो, कहाँ से वो खाएंगे? फ्री में राशन तो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं जब रोजगार दो? केजरीवाल जी ने देखो ना, फ्री बिजली, शिक्षा, फरिश्ता योजना, आज तक पूरे देश में हुई क्या फरिश्ता योजना? आपका कोई भाई बहन, मेरा कोई भाई बहन सड़क पर मर जाता था, और आज आज उसकी जान बचाई जाती है, तो कौन कौन कर रहा है? केजरीवाल, केजरीवाल फरिश्ता योजना कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि नारी शक्ति के लिए मैं अपना जान तक दे दूंगा। हाँ, नारी शक्ति के लिए जितने केजरीवाल ने काम किए, किसी ने किया ही नहीं पूरे देश में। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग सड़कों पे उतर गए हैं केजरीवाल के समर्थन में। आप देख सकते हैं चारों तरफ, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप दिखाओ इस तरह, आप दिखाओ सर इधर इधर रोड पे। मोदी तेरी गुंडा कर दी, मोदी डरा हुआ है, डरा हुआ है, मोदी डरा हुआ है, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहा है, मोदी डरा हुआ है, एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, महिलाओं के लिए मोदी हाय हाय, मोदी इलेक्ट्रिक बोर्ड से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड से बचने के लिए सरकार चला रही है। ये देखिए देश की जनता कह रही है कि मैं भी केजरीवाल, पूरी देश की जनता डरता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जन समर्थन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के समर्थन में इस तरह से पूरे दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं चारों तरफ जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। आप केजरीवाल जी के समर्थन सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं?
केजरीवाल जी के समर्थन में सड़कों पे उतरे हैं, क्या कहना? जान दे देंगे, जान केजरीवाल के लिए जान दे देंगे। ईमानदार नेता था वो, गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिया है, गरीबों के बच्चों के लिए हॉस्पिटल में अच्छा स्वास्थ्य दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये मोदी अच्छा लिख रहे हैं चुनाव, एंड हम चुनाव के टाइम अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं ईडी के दम पर। ये ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, बीजेपी ने गिरफ्तार किया केजरीवाल। तो संवैधानिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं वो, सब क्या संविधान, जो ईडी सीबीआई आप बात कर रहे हैं तो संविधान। एक रुपए का सबूत कहाँ है, एक रुपया कहाँ मिला, ये देख सकते हैं देश की सरकार। ये पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं, ईडी के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं। ये तो संविधान, एक ईमानदार आदमी को जेल में बंद करना चाहते हैं जो दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको बंद करना चाहते हैं। क्या मोदी जी ईमानदार नहीं है? मोदी जी सबसे निकम्मा और नकारा आदमी है। मोदी जी चोर है, मोदी जी भ्रष्ट है, मोदी जी चोर है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी सड़कों पे उतर चुकी हैं, और मैं बात करूंगा, केजरीवाल हमारा चाहिए, हमें हमारा नेता चाहिए, हमारा नेता हमें चाहिए। इस तरह से महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, इसे लग रहा है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं मोदी जी को बताना चाहता, मोदी जी को बताना चाहता हूँ, अगर एक केजरीवाल को अंदर करोगे तो देश के अंदर लाखों केजरीवाल पैदा होंगे, लाखों केजरीवाल। ये देखिए कह रहे हैं कि अगर एक केजरीवाल को आप अंदर करेंगे तो इस देश में लाखों केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल को क्या नाम है सर आपका? राजेश। राजेश क्या कहना चाहते हैं सर? कहना चाहता हूँ मोदी जी पूरी इंडिया के अंदर बिजली फ्री कर दीजिए, आपको किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ेगा। राशन तो फ्री दे रहे हैं पूरे देश को, तो खुद क्या खा रहे हैं? राशन से क्या हो रहा है? बिजली फ्री दो ना, स्वास्थ्य फ्री दो, शिक्षा फ्री दो ना, स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, क्यों नहीं बनवाओ? मंदिर बनवा दिए इस देश का सबसे बड़ा, आप उससे खुश नहीं है? मेरे प्रभु है राम, आराध्य है मेरे, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन मंदिर के साथ साथ शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे ये किस तरह से यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है लोगों को, देखिए ये हमको गाड़ी में बंद कर दिया गया था, हमको गाड़ी के सीजर तोड़ के लगाए हैं, मोदी ये गुंडागर्दी कर रहा है। ये देखिए महिलाओं को भी डिटेन किया गया था, मैं महिला आपको भी डिटेन किया गया था, मेरे को डिटेन कर दिया गया जबरदस्ती। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आखिर हम जनता कहाँ जाए? हमारे सीएम मोदी तेरी तानाशाही। देखिए भाजपा का, मोदी का ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा घिनौना रवैया है कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को और ईमानदार सीएम को उठा के जेल में डाल दिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मोदी को, लेडीजों को, पुलिस को हाथ क्या? मोदी जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, कोशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सब गरीब ने कोरोना में, सब गरीब ने भूखे मरा है और मरवा दिया है मोदी ने। मोदी जी इस देश की जनता को अनाज राशन देते हैं, सीएम साहब भी देते हैं। इस मोदी की असली बंद हो या थाली बंद हो, लेकिन जिसके घर का गार्जियन मर गया उसको तो नहीं दिया ना मोदी ने, बना दिया। ये देखिए मोदी जी के खिलाफ में कितनी महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि गाड़ी बना दिया पब्लिक को मोदी जी ने। मोदी जी इस देश को डिजिटल इंडिया बना दिया, डिजिटल इंडिया 5 किलो अनाज के लिए लैंड में लगा दिया, इससे ज्यादा और क्या होगा? इतना फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में, क्या फ्रॉड हो रहा है? क्या फ्रॉड? साइबर फ्रॉड इतना हो रहा है कि जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। रेल बेचते और देश बेच दिया, क्या होगा? देश यहाँ पे देखिए इस, और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग सड़क पर उतर गए हैं। यहाँ पे मोदी हाय हाय, यहाँ मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं सर से बात करूंगा, क्या ये इनकी गुंडागर्दी चल रही है? सारे चार के सारे सारे विपक्ष को खत्म कर दिया जाए,
केवल राम नाम के मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन राम नाम से रही लेके नहीं आ रहे, केवल गुंडागर्दी चल रही है इन लोगों की। देश में जनता राम है तो हो गई है, देश की जनता तो राम को ही खोज रही है ना, राम में है पूरा। लेकिन राम को तो खोजे, लेकिन राम राज भी तो लेके आए, ऐसी तानाशाही तो नहीं रख रहे। तो राम राज्य तो चल ही रहा है, खत्म कर रहा है हर विपक्ष को, खत्म है। ये कौन सा राम राज्य आ रहा है? ये आप लोग भी ऐसी बातें करते हो, विपक्ष कैसी तानाशाही हो रही है यहाँ पर, तानाशाही हो रही है। देश की जनता मोदी इस बार, देश की जनता मोदी को इस बार मान रही है, कह रहे हैं 400 पार। आज से बदल गया, कल से सरकार बदल गई है, कल से बिल्कुल आओ अब पूरी। देखिए महिला कह रही कि ये रावण राज्य, ये रावणों की सरकार है, मोदी सरकार रावणों की सरकार है। ये देखिए कह, और ये देखिए यहाँ पे ये पुलिस इस तरह से आ रही है, जो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस इधर से आ रही है जो डिटेन करने के लिए। तो अभी आप लोगों ने सुना, जो मोदी जी को रावण की उपाधि मिल गई है, यहाँ की महिलाएं बोल रही है कि मोदी इस देश में रावण राज लिया दिया है। तो अभी हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं सर? आप कह रहे हैं कि पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है। जी जी बिल्कुल, हम लोग को दबाने की कोशिश, मगर हम लोग दबेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे। कौन दबाने को आपको कोशिश कर रहा है? बीजेपी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, ये हम लोग के साथ नहीं चलेगा, न्याय नहीं चलेगा, ये दिल्ली की जनता के साथ। और यहाँ पर देखिए इस तरह से पुलिस डिटेन करना स्टार्ट कर दी है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस डिटेन करना स्टार्ट कर दी। मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि वो दिखाए, और यहाँ पे ये देखिए पुलिस इधर हटा रही है सारे लोग को, और यहाँ पे बस भी लग चुका है, आप पहले से देख रहे हैं काफी लोग डिटेन भी कर चुके हैं। आप केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पर उतरे, क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उससे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आज नहीं तो कल वो प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल जी। मोदी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है लोगों को, आप ये देख सकते हैं कि पुलिस हटा रही है सारे, यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी आए हैं जो अपना शांतिपुर से इति का, और यहाँ पे डिटेन भी कर रही है पुलिस। देखिए सर को डिटेन कर रही है, यहाँ पे पुलिस के बीच में और जनता के बीच में झड़प भी होता हुआ आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे किस तरह से खींचतान हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे डिटेन की जा रही है पुलिस के द्वारा, और बर्बर तरीके से यहाँ पर उनका इस तरह से रवैया देखने को मिल रहा है। और इसमें महिलाएं भी है जो पीछे से, उनको भी, महिलाओं को भी ये पुलिस जो है वो डिटेन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें महिला सिपाही आपको नजर नहीं आएंगी, इसमें जो कि महिला है। मोदी। और देखिए इस तरह से किस तरह से यहाँ पे आप सभी को पूरी तैयारी है, और देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पुलिस वहाँ पे घीच रही है, वहाँ पे कालर पकड़ के, ऐसा लग रहा है कि आप देखिए यहाँ पे लोग, और इस तरह पुलिस और ये लोगों के बीच में झड़प दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पे वो महिला भी है जो बीच में खींचतान में, लग रहा है कि महिला के हाथ पकड़ को पुलिस खींच रहा है। यहाँ पे कोई बताइए सर, यहाँ पे कोई महिला पुलिस भी नहीं है? कोई पुलिस नहीं है, महिला पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं। महिलाओं को भी पुलिस मार रहे, पुलिस वाले मार रहे, कोई पुलिस नहीं है, इसमें जबरदस्ती वाला हाल है सब। ये देख सकते हैं आप सर, ये आप देखो, ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस इसको मेघा की तरह उठाकर ले जा रही है। ये लोकतंत्र का सच्चाई है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस यहाँ पे लेकर जा रही है। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से पुलिस देखिए ऐसा लग रहा है कि इनको बेहोश हो चुके हैं इस समय सरकार, जिस तरह से। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से इनको डिटेन किया गया, और ये बेहोश हो चुके हैं, और यहाँ पे नारा लग रहा है। सर सर आप क्या कहना चाहेंगे? तानाशाही है, पुलिस की तानाशाही। ये देखो कैसे दौड़ा दौड़ा के करा जा रहा है, ये देखो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ये देखो क्या हाल करा है,
ये देखिए शांतिपुर प्रदर्शन है, आगे लोग कह रहे हैं कि मैं शांतिपुर प्रदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देखिए हमारे पार्षद ये क्या हाल किया है, ये क्या राम राज्य बोलते हैं, ये राम राज्य है, ये गुंडे राज्य है, ये देश को बर्बाद करने के राज्य है, बर्दाश्त हो रही है, बताइए क्या हो रहा है। हमको इतने साल लगे कोई पढ़ सकते जिंदाबाद देख लिए किस तरह से तानाशाही हो रही है, पुलिस वाले जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, क्या हम अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, क्या हम यहाँ पे नारा भी नहीं मार सकते? अब बताइए, एक तरफ ये सीडीआई सीबीआई बीजेपी पुलिस मोदी के इशारे पे काम कर रही है, ये संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, आप सर कैसे? एक चीज बताइए कैसे, बताइए कैसे? अभी देख रहे थे आप जो बेहोश हो गए हैं। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अर्जी लगाई गई थी ईडी की गिरफ्तारी के द्वारा, वो वापस ले ली गई है, क्या रणनीति क्या दिमाग? देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप सब आप चैनल के माध्यम से आप सब इस देश के सच्चे और ईमानदार हैं जो आईना दिखाते हैं, दिल पे हाथ रख के कहना कि इस तरह से जैसे बीजेपी सीडीपी बीजेपी पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, एक एक करके नेताओं को जेल में डाल रही है, मुझे देखिए मैं एक निगम पार्षद हूँ, घसीटते हुए मेरा गला दबाते मेरे यहाँ घूसे मारे, मेरे को मारने की कोशिश करी, ये लोकतंत्र है क्या? हम किस देश में रह रहे हैं? हम कौन है? हम अंग्रेज है क्या? ऐसे करेंगे क्या? गोली मार दो अगर इन्हें इतनी परेशानी आम आदमी पार्टी से, हमें शहीद कर दो, हम मरने को तैयार है, पर हमारे खून से हमारे कण कण से हमारे मन से एक ही आवाज आएगी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, भारत माता की, भारत माता की, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी आवाज भी उठाने का, और अपनी जो भी अगर, और इस समय देख सकते हैं कि बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये राम राज्य बोल रहे हैं मगर ये गुंडा राज्य है, दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके हम जैसे नागरिकों को हम जैसे वॉलंटियरों को अपना धरना प्रदर्शन भी करने नहीं दे रहे, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर आज ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं करने दी, बीच सड़क पे जाम किया जा रहा है, बीच जो पब्लिक जी नहीं परेशानी हो रही है, हम भी पब्लिक है, गाड़ियां रोकी जा रही जी नहीं, गलत बात है, हम कोई गाड़ी नहीं रोक रहे, हम किसी पब्लिक को परेशानी नहीं दे रहे, हम लोग बस चाहते हैं हम अपने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमें करने नहीं दे जा रहे। अब राम राज्य की बात कर रहे हैं, इसमें राम राज्य कहां से आ जाता है? जी हम नहीं बात कर रहे, हम तो चाहते हैं कि राम राज्य बने, मगर राम राज्य थोड़ी ना आई है, राम राज्य उसे बोलते हैं जो एक दूसरे से इंसान खुश रहे, राम राज्य में होता क्या है? राम राज्य में सब एक दूसरे से शांति पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से भाई बंदी बन जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो गुंडागर्दी हो रहा है, सर आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर ईडी के सामने इसलिए पेश लगे कि केजरीवाल जी जानते थे कि ये सिर्फ एक दिखावा है, क्या उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? न्याय कानून व्यवस्था पूरा विश्वास है, मगर बीजेपी सरकार में विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी मंत्री बंद हुए विधायक बंद हुए उन सबको अटेंड करके जबरदस्ती एक रुपए का भी अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 2 मिनट केस टिक नहीं सकता, 2 मिनट। सर बीजेपी से क्या मतलब है, उनको तो लोकतंत्र पर अपना स्थिर रखना चाहिए, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए, ये सब आम आदमी पार्टी और आम नागरिक है, हम कोई नेता नहीं है, हम एक आम नागरिक है, आम नागरिक, हम कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, हम एक आम नागरिक है, और ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे लोकतंत्र हमें संविधान की हत्या है, और ये नहीं होने दी। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए ये फिर पुलिस डिटेन कर रही है लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे बसें भी आ चुकी हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए डिटेन कर लिया गया है, यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर उन व्यक्ति को किस तरह से ये पुलिस जो है दिल्ली पुलिस की, और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पे
सारे लोग जो भी हैं जो केजरीवाल जी के समर्थन में थे, वो देखिए बसों में किस तरह से वो डिटेन करके वो बैठाया गया है, भरा गया है। मैं उनसे बात करूंगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ये गुंडाई की हद है। दिल्ली के अंदर तानाशाही मचा रखी है मोदी ने। मोदी अपनी पुलिस को लेकर बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल को बंद कर रहा है और ये दादागिरी इन लोगों की दिल्ली की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में 700 सीटें आम आदमी पार्टी और गठबंधन जीतेगा, ये बता रहा हूं। सीटें आ रही है, 700 सीटें आ रही है। ये बीजेपी अपने ना दोगलापंथी ना दिखाए, ईवीएम मशीन में ना गड़बड़ी करे, तो ये 700 सीटें हमारी आम आदमी पार्टी की आ रही है। चुनाव का सर बिल्कुल बच चुका है, अभी आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम तो है नहीं, सवाल उठा रहे हैं कि आप कैसे बीजेपी बोल सकती है हम 400 सीट चार बार आ रहे हो आप कैसे बोल सकती है? जनता को पागल समझती है क्या? इसका मतलब ये हमें सेटिंग है, इसका मतलब तो बोले आप सेटिंग है हमें। और यहाँ पे देखिए किस तरह से डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पे है। मैं श्रवण कुमार, और इस पूरे बातचीत पे आपकी क्या राय है?